दिन के आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए दिन के आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए दिन की आमद से बेचैन फितरत थी, वो आए नगमाए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए नगमाए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरिब थी वादिये बथा, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरिब थी वादिये बथा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। सदरे जीवका मेरे प्यारे पैगंबर अथर रहमतुल आलमीन नई अरे आजम सालारे कौनैन सरदारे अंबिया की आमद से पहले दुनिया में दूर दूर तक रोशनी का कोई निशान ना था। दुनिया का माहौल इंतहाई बद से बदतर हो चुका था। माओ का कलेजा मुंह को आ रहा था, बेटियों के आंसू तेजी से बह रहे थे, गुलामों को जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाता था, यतीमों की सिसकियां अरूज पर थी, कुफर और शिर्क ने बज़्मे अकीदा को वीरान कर रखा था, जहलियत ने तमाम इखलाकी हदों को पामाल कर दिया था। अरब के जहां किसी का जानवर पानी की घाट से दूसरे के जानवर से पहले पानी पी लेता था तो इतनी सी बात पर तलवारें नियमों से बाहर आ जाती थी और नस्ल दर नस्ल सदियों तक लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता। इंसानों की जानों का इतलाफ इनकी निगाह में कोई मानी नहीं रखता था। शराब नोशी इनकी सृष्टि का हिस्सा बन चुकी थी। बेहयाई और बदकारी अहले अरब में आम थी। अलगर्ज दुनिया कुफर और शिर्क जुल्म और ज्यादती कत्ल और गारत गरी बेहयाई और बेशर्म और बद्यांती ना इंसाफी की आमाजगा बन चुकी। साहिब सदर ये कुदरत का निजाम है कि जब अंधेरे अपनी तारीकी की इंतहा को पहुंच जाते हैं तो खुदा के हुक्म से उजाले की किरणें नमूदार होती हैं और रफ्ता रफ्ता वो उफक पर छा जाती हैं, फिर वो पूरी दुनिया को रोशन और ताबनाक बना देती हैं। जब इंसानियत तबाही के दहाने पर आ गई तो रहमत खुदावंदी जोश में आई। अब खुदा ने इस हस्ती को भेजने का फैसला कर लिया जो निजाम आलम को बदलने वाला था, जो एक अजीम इनकलाब का और राहबर बनने वाला था। यानी अकाए नामदार शहंशाह ज़ीवकार जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया रंग व बू में जलवा अफरोज हो गए। वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आ गए जिनकी आमद का सभी को बेचैनी से इंतजार था। हाजरीन ने आपका तशरीफ लाना ही था कि तौहीद के जमजमे बुलंद होने लगे, बातिल के ईवानों में तूफान बर्पा होने लगे, टूटे हुए दिल आपस में मिलने लगे, अफकार और ख्यालात चमकने लगे, कम तर दर्जा के लोग आला तरीन हो गए, इंसानियत को शर्मा देने वाले काम करने वाले इज्जतों और इफ्तों के अमीन बन गए। तख्त सरा से निकल कर इंसानियत सुरैया की बुलंदियों तक पहुँच गयी। कल तक गुलामों और यतीमों के साथ नारवा सलूक रखने वाले इनके मुहाफिज और कफील बन गए। आगाज तमाम बुराइयों का खात्मा हो गया और तमाम अच्छाइयों का बोलबाला हो गया। भटक रहे थे जो अब तक दुखों के सहरा में, भटक रहे थे जो अब तक दुखों के सहरा में, वो इनके वास्ते सुख के गुलाब ले आया। झलसती धूप में तस्कीन की खातिर, झलसती धूप में तस्कीन की खातिर, कर्म की बारिशें वो बे इंतहा ले आया। साहबी जी मोहतशिम अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत के लिए आखिरी कामिल रहनुमा और मुअल्लिम बनाकर भेजा। सरकार दो आलम की आमद और तालीमात से इंसानी जिंदगी के हर गोश में अजीम इनकलाब बर्पा हुआ। जनाब रहमतुल आलमीन की आमद की बदौलत इलाहियत और अकायद इबादत और मामलात इंफरादी घरेलू इज्तमाई जिंदगी इखलाकियात माशियात सियासत और माशत समेत जिंदगी के हर शोबा में नुमाया तब्दीलियाँ नुमा हो गयी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी खुली किताब की मानंद है जो कि रोजमर्रा के मामलात में हमारी रहनुमाई करती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें मोहसिन इंसानियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हसना पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। इन अशार के साथ इजाजत चाहूंगी। मिदहत मुस्तफा हो सीने में, मिदहत मुस्तफा हो सीने में, है सुरूर इसी तरह से जीने में, सारी दुनिया में भी घूम लूं लेकिन, सारी दुनिया में भी घूम लूं लेकिन, हो मेरा इम्तिहान बस मदीने में, डूबने देगा कब करम इनका, डूबने देगा कब करम इनका, लाखों छेद अगर सफीने में, रहमते कुल जहां में होती हैं, रहमते कुल जहां में होती हैं, इनके मिलाद के महीने में, नात लब पर हो दिल में
इश्क़ नबी, नाद लब पर हो दिल में इश्क़ नबी, उम्र कट जाए इस करीने में। शुक्रिया।